लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जेंटलमैन, हमारे खास इन्फॉर्मर ने खबर भेजी है कि यही वो पहाड़ी है जहां आजकल डाकू शक्ति सिंह का डेरा है। इसलिए आज रात ठीक 11:30 बजे हम लोगों को इस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लेना चाहिए। मिस्टर पांडे, आप अपनी पूरी फोर्स से इस तरफ से बढ़ेंगे। मिस्टर संपत, आप इस तरफ से बढ़ेंगे। मिस्टर अकबर, आप इस तरफ से बढ़ेंगे। मिस्टर सलीम, आप इस तरफ से बढ़ेंगे ताकि वो किसी तरफ से बचकर नहीं निकल सके, और फिर शक्ति सिंह को मजबूर कर देंगे कि वो पुलिस के सामने हथियार डाल। शक्ति सिंह को दुनिया की कोई शक्ति हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकी आईजी साहब, लेकिन आज शक्ति सिंह खुद अपने हथियार डालकर अपने आप को पुलिस के हवाले करता है। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अचानक ये फैसला क्यों? शक्ति सिंह ने जिंदगी के तमाम फैसले अचानक ही किए हैं आईजी साहब। किसान से डाकू भी अचानक ही बना था, और आज डाकू से एक मामूली इंसान बनने का फैसला भी अचानक ही किया है आईजी साहब। कभी मैं भी एक शरीफ मासूम इंसान था, मेरा भी एक छोटा सा घर था जिसमें मेरे बूढ़े माँ बाप, छोटे छोटे भाई बहन रहा करते थे। मैं दिन रात खून पसीना बहाकर अपने खेतों में हल चलाता, जमीन की सिंचाई करता, सिर्फ इस उम्मीद पर कि फसल कटेगी तो मेरा घर अनाज से भर जाएगा। मेरे माँ बाप, भाई बहन कोई भी दाने दाने को मोहताज नहीं होगा। हमारे खेत लहलहाते जरूर थे, लेकिन जब फसल कटती तो अनाज जिम्मेदारों के गोदाम में पहुंच जाता, हमारे हिस्से में सिर्फ भूख रह जाती। एक बार मैंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, मैंने हाथ जोड़कर घुटने टेक कर जिम्मेदार से कहा, ये जुल्म है, हम भूख से मर रहे हैं, हमें दो वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदार, ये धनवान जो अपने आप को भगवान से ज्यादा समझते हैं, मेरी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सके। मुझे कोड़ों से पिटवाया गया, मेरे घर को आग लगा दी गई, मेरे माँ बाप को जिंदा जला डाला, मेरे भाई बहन बिलक बिलक कर मर गए, और तब उस आग में मैंने अपनी इंसानियत, अपनी शराफत को जलाकर खाक कर दिया, और किसान शक्ति सिंह डाकू शक्ति सिंह बन गया। लेकिन अब मैं डाकू की इस चोली को उतार कर फेंक देना चाहता हूं। मैं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए तैयार हूं, इसलिए नहीं कि मैं थक गया हूं या मेरी ताकत जवाब दे चुकी है, बल्कि इसलिए कि हुकूमत ने मुल्क के कोने कोने से जुल्म को खत्म करने का वादा किया है, डाकुओं को मामूली सजाएं देकर फिर से समाज में बसाने का फैसला किया है। लगता है गरीबों, मजदूरों, बेकसों की दुनिया में एक नया सूरज उगने वाला है। उसी रोशनी के सहारे शायद मेरी भटकी हुई जिंदगी को कोई नया रास्ता मिल जाए, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिल जाए, मैं फिर से एक नया इंसान बन सकूं। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं शक्ति सिंह, वो दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा। साथियों, जिन हाथों में बंदूकें होती हैं उनमें हथकड़ियां नहीं पड़ सकती, जो पांव घोड़े के रकाब में रहते हैं उनमें बीड़ियां नहीं पड़ सकती। आकाश ने हमेशा हमारी हिम्मत और बहादुरी के सामने सर झुकाया है, और धरती ने हमेशा हमारे कदम चूमे हैं। दुनिया जानती है आजादी से जीना हम ठाकुरों की शान है, और मर्यादा पर मर मिटना हम राजपूतों का धर्म है। जिस जबान ने हमारी मर्यादा को ललकारने की कोशिश की, वो जबान हमने हमेशा के लिए बंद कर दी है। जिस हाथ ने हमारे आजादी का गला घोटना चाहा, वो हाथ हमने काट कर फेंक दिया। माता भवानी की कसम, जब तक मेरे बदन में लहू का एक भी कतरा बाकी है, आप लोगों के भरोसे की लाज, आप लोगों की रक्षा मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। जय
भवानी। क्या खबर लाए हो तोताराम? जान की रक्षा हो ठाकुर, शास्त्री तोताराम की विद्या कभी फेल नहीं हो सकती। लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, और उल्लू को रास्ते दिखाई नहीं देता, परंतु वो उल्लू कौन है वो हमने अपने गुप्त ज्ञान से प्राप्त कर लिया प्रभु। उसका नाम है सेठ करोड़ीमल। सेठ करोड़ीमल धन लेकर पूर्व दिशा से होकर नंदू घाटी की ओर जा रहा है महाराज। क्या आज्ञा महाराज, क्या आज्ञा महाराज। कुंदन अरे क्या से जल्दी ढक्की की चाबी निकालो। सेठ चाबी दो, तोताराम ने झूठ बोला है, काम अच्छा नहीं है, चाबी चाबी दो। जल्दी निकालो, दे दो दे दो दे दो दे दो, जल्दी करो। लेकिन माफ करना ठाकुर साहब, ये तो टैक्स नहीं, ये तो डकैती हो गई। काम तो तुम भी वही करते हो सेठ, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम गरीबों का खून चूसकर अपनी तिजोरी भरते हो, और हम तुम जैसे धनवानों को लूटकर उन गरीबों में बांट देते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सेठ जी? आइए हजूर, आइए, बड़ी कृपा हुई हजूर, पधार गया। जय हो सरकार, बड़ो छोक हो, मेरी तो जान निकली जा रही थी। मैंने कहा था ना मैं ठीक वक्त पर। जी की तो मैंने खातरी थी, बड़ो छोको हजूर। ये तो मेरा फर्ज है लाला जी। हजूर आपने पूरा भरोसा अजय सिंह नहीं आया को? कैसी बातें करते हैं लाला जी, अब मैं जो आ गया। हाँ, इसकी तो मैंने खातरी थी, बड़ी कृपा हुई हजूर की। इस घर में आपके सिवा और कोई नहीं रहता क्या? राम राजी हजूर, सब सो रहे हैं। सो रहे हैं? हाँ, मैंने किसी को नहीं बताया, आप ही ने तो कहा था टेलीफोन पे। हाँ हाँ, मैंने ही टेलीफोन पर कहा था, बेकार बच्चे परेशान थे। अच्छा एक बात बताइए, ये तिजोरी कहाँ है? हमारे सोने के कमरे में। हजूर आओ, आइए आइए, पधारिए पधारिए जो। ये है मेरा सोने का कमरा, और सरकार ये है मेरी तिजोरी, मेरी सारी जिंदगी की कमाई इसमें हजूर, इसको आपकी रक्षा चाहिए। अब देखूंगा मैं वो डाकू अजय सिंह कैसे लूटे मैंने। उसकी क्या मजाल है लाला जी, लाइए तिजोरी की चाबियां दीजिए। चाबियां? जी हाँ, तिजोरी की चाबियां आपके इन कमजोर हाथों से ज्यादा मेरे हाथों में महफूज रहेंगी। ये तो ठीक कही हजूर। हजूर आपके ख्याल में डाकू अजय सिंह अभी भी आ सके? आ सके है नहीं लाला जी, आ गया। आ गया? कहाँ? कहाँ है? यहाँ है। तुम नहीं, मेरा नाम ठाकुर राजे सिंह है, तिजोरी की चाबियां निकालो जल्दी। मेरा नाम ठाकुर अजय सिंह। अपने आप को डाकू कहते हुए शर्म आती है क्या? फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे तिजोरी की चाबियां चाहिए। लेकिन अगर मैं चाबियां ना दूं तो? मैं आखिरी बार पूछता हूं, चाबियां देते हो या नहीं? मैं भी आखिरी बार कहता हूं, तुम यहां से जाते होता नहीं। Thank you.
तूने मेरा सुहाग लूटा है, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तुझे जान से मार डालूंगी। मैं तुझसे अपने ठाकुर का बदला लूंगी, बदला। बदला मर्द लिया करते हैं ठाकुराइन, औरतें नहीं। शायद तू नहीं जानता, हिंदुस्तानी औरत के दिल में जब बदले की ज्वाला भड़क उठती है तो वो सामने आने वाले बड़े से बड़े पहाड़ को जला कर राख कर डालती है। तेरी तो हस्ती ही क्या है, रुक जा, आगे बढ़ पा। ठकुराइन, तुमने मुझे बहुत करीब से देखा है, और जो लोग मुझे इतने करीब से देख लेते हैं, मैं उन्हें फिर कभी कुछ देखने का मौका नहीं देता। बेटी के बदले बेटा दिया होता। रोशनी, काश भगवान ने मुझे बेटी के बदले बेटा दिया होता।
पूछते साले। कांग्रेचुलेशन मिस्टर विजय, ये रहा आपका इनाम। थैंक यू सर, गुड डे। गुड डे। इस बार तो बड़ा भारी नाम है कुमार साहब। जैसा मुजरिम वैसा ही नाम। शायद तुम नहीं जानते विजय, ये बड़ा खतरनाक डाकू है। कुमार साहब, खतरों से वो लोग डरते हैं जिन्हें जिंदगी प्यारी होती है। मैं तो खतरों से खेलना अपनी जिंदगी समझता हूं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, दिस टाइम आई मे नीड इट। गुड लक। के लिए क्या क्या लाया हूँ बसंती, ये मिठाई जो है ना खाने के बाद मान देना, और अब खाने के लिए ये बिस्किट है, समझे ना? ए नो, ये खोलो मत। अरे भाई आराम करो, अभी देता हूँ। ये बिस्किट तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। अरे चिंपू, चिंपू, मेरे चिंपू, क्या बात है बेटे? अंकल मेरे लिए क्या लाया? मेरे लिए देख, तेरे लिए सुपरमैन लाया हूँ, पसंद आया? थैंक यू अंकल। मेरा मोटा चोरी पकड़ी गई। पट 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 पट। डट्टू, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि बच्चों के बीच गुलेल मत चलाया कर, अगर किसी की आंख में लग जाता तो। सॉरी अंकल। फिर कभी चलाएगा? नहीं अंकल। जा अपना हिस्सा खा ले। अच्छा। जा जल्दी कर वरना तेरा हिस्सा भी ले लेंगे। भाग 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 भाग। नमस्ते विजय भैया। नमस्ते गीता, कैसी है तू? ठीक है, आप कैसे हैं? कैसे लगता है? ठीक, बहुत दिनों बाद आए। इस बार बच्चे आपको बहुत याद कर रहे थे। क्या बताऊं गीता, मेरा भी इन बच्चों के बिना जी नहीं लगता, लेकिन कभी कभी काम में इस तरह फंस जाता हूँ कि महीनों आने का मौका नहीं मिलता। वैसे आश्रम तो ठीक चल रहा है ना? आपके होते हुए इस आश्रम को क्या कमी हो सकती है? अरे मैं क्या करता हूँ, आश्रम तो तू चलाती है। तू ना होती तो उन बच्चों को माँ की ममता नहीं मिलती। तूने इस आश्रम और बच्चों के लिए अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया गीता। और आपने कुछ नहीं किया? न जाने कहां कहां से इन अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया, इनके लिए ये आश्रम बनाया, और अब इस आश्रम को चलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात खतरों से खेलते रहते हो। ये बात नहीं है गीता, तुम तो जानती हो कि इस देश के अनाथ और लावारिस बच्चे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इन बच्चों को इतना प्यार मिले कि इन्हें अनाथ होने का जिंदगी में कभी एहसास ना हो, इन्हें इतनी शिक्षा मिले, इतना ज्ञान मिले कि बड़े होकर अपने देश और इंसानियत के काम आ सके। भगवान ने चाहा तो ये सपना जरूर पूरा होगा। खैर,
मैं माँ और ज्योति से मिलाता हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखना। मेरा नाम राय बहादुर विक्रम सिंह है, आपका क्या नाम है जनाब? विजय सिंह। कहाँ तक सफर कर रहे हैं आप? बसंतपुर। लगता है आप बहुत ही दिलचस्प नॉवल पढ़ रहे हैं। ये नॉवल नहीं, गीता है। गीता? गीता का कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं आप? जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब जब धरती पर पाप पड़ते हैं तब तब पापी का सर्वनाश करने के लिए मैं स्वयं किसी भी रूप में धरती पर आता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान पुलिस का काम भी करते हैं? जी हाँ। मगर भगवान का न्याय दुनिया से अलग होता है। वो पहले पापी को सोचने, समझने और सुधरने का मौका देते हैं, लेकिन जब पापी पाप और अपराध के अंधकार से इंसानियत और मुक्ति के उजाले में आने से इनकार कर देता है तो भगवान उसका सर्वनाश कर देते हैं और संसार पापी से मुक्त हो जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपसे मिलकर और आपके विचारों को जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई जनाब। कुछ लोगों को मुझसे मिलकर दुख भी होता है। अच्छा, वो कौन लोग हैं? जिनके मन में खोट होता है। ऐसे लोगों को पहचानना तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा। जी नहीं, कमल कीचड़ में भी खिले तो फूल कहलाता है, मगर कांटे रेशम भी ओढ़ लें तो कांटे रहते हैं। मगर ये लोग जो बुरा काम करते हैं उनकी फिक्र तो पुलिस को होनी चाहिए। लेकिन राय साहब, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारे भी तो कुछ फर्ज हैं। खैर, आप काम क्या करते हैं जनाब? मेरा काम है ऐसे पापियों को ढूंढना और इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देना। एक्सक्यूज मी, टिकट प्लीज। हाँ हाँ, टिकट ले लीजिए। बसंतपुर? एक्सक्यूज मी, आपका टिकट तो सिर्फ बसंतपुर तक है और ये गाड़ी बसंतपुर नहीं रुकती। आपको अपना ये टिकट दीनापुर तक एक्सटेंड कराना पड़ेगा। मगर बसंतपुर कब आएगा? बसंतपुर तो हम अभी क्रॉस करने वाले हैं। थैंक यू। राय साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जनाब। नमस्ते पंडित जी। बहुत दिनों बाद आ गए बेटा, अच्छे हो ना? सब ठीक है पंडित जी। सब ठीक है ना? जी तेरा। अरे वाह, कैसे पहचान लिया वाह। माँ अपने बच्चों को परछाई पहचानती है। मैं अपने बेटे के हाथ की गर्मी महसूस नहीं कर सकती। मेरी अच्छी माँ, ज्योति कहाँ है? यही कहीं होगी। और सब घर में ठीक है? तुझे घर से क्या वास्ता, तेरे ना कोई माँ है ना बहन। क्या कह रही हो माँ, तुम दोनों के सिवा मेरे इस दुनिया में है कौन, बता। हाँ, तभी तो आज इतने दिनों के बाद शक्ल दिखाई है। माँ तू मेरी मजबूरी जानती है। जानती हूँ, इसलिए तो कुछ नहीं कहती। कैसे है तेरे बच्चे? अरे बहुत अच्छे है माँ। चिंपू है ना, बहुत शरीर हो गया है। और मुन्ना आजकल 100 तक गिनने लगा है। और बीना सीएटी कैट, आरएटी रैट, सीएटी कैट। बस 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 बस, तुझे तो अपने बच्चों की तारीफ का बहाना मिलना चाहिए। बेटा, अपने बच्चों के धुन में तो अपनी बहन को भूल गया है। ये कभी हो सकता है? यहाँ आते हुए शमशेर चाचा से मिलकर आया। सच? कैसा है लड़का? बहुत अच्छा है माँ। मैंने शादी की बात भी पक्की कर ली, अब तू तैयारी शुरू कर दे। मैं शादी वादी नहीं करूंगी, मैं तो पहले अपने लिए भाभी लाऊंगी। चल छोटी, दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर से भाभी भाभी की रट लगा रखी है। जरा आने दो भाभी को, फिर पूछूंगी। अरे तू जब पूछेगी तब पूछेगी, मैं तो तेरे दुल्हा से मिलकर आ रहा हूँ।
माँ कहो ना भैया से। अब जो कुछ भी कहना है उसी से कहना, भैया भैया की नहीं चलेगी। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। ज्योति ठीक ही तो कहती है बेटा, अब तो इस घर में बहू ले। ज्योति चली जाएगी तो इस घर की रोशनी चली जाएगी। तू चिंता मत कर माँ, पहले इसकी शादी हो जाने दे, फिर घर में रोशनी भी आ जाएगी। ये तो तू हमेशा ही कहता है, न जाने कब वो दिन आएगा जब तू इस घर में बहू लेकर आएगा। आएगा माँ, बहुत जल्द आएगा। अब तू मेरे लिए खाना बना, मैं जरा नहाकर आता हूँ। काश भगवान ने मुझे बेटी के बदले बेटा दिया होता। माँ उस दिन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज मैं समझ गई हूँ कि तुमने ऐसा क्यों कहा था। मुझे तुम्हारी सौगंध है माँ, मैं दुश्मन से बदला लेकर रहूंगी। क्या बोल रही बेटी? सोच रही हूँ काका, जब चिंगारी भड़कती है तो शोला बन जाती है, लेकिन जब शोला भड़कता है तो क्या होता है? बेटी शोले के लपेट में जो चीज आती है ना, वो जल के राख हो जाती है। और जिसे मैं जलाकर राख बनाना चाहती हूँ उसके दामन तक तो धुआं भी नहीं पहुंचा। मैं तेरे दिल की आग को अच्छी तरह समझता हूँ बेटे, लेकिन लेकिन तू ये सोच हम कर भी क्या सकते हैं? भगवान ने मुझे लड़की के रूप में जन्म जरूर दिया है काका, लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि हिंदुस्तानी औरत जब कुछ करने की ठान लेती है तो बड़ी से बड़ी चट्टान भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। लेकिन रास्ता तो मालूम होना चाहिए बेटी, अंधेरे में भटकने से मंजिल तो नहीं मिलती। लगन अगर सच्ची है तो मंजिल अपने आप कदमों में बिछ जाती है। मैंने भी कसम खाई है कि जब तक उस हत्यारे डाकू से अपने माँ बाप का बदला नहीं लूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। अरे मेरी भोली बिटिया, पापी का पाप रंग लाए बगैर नहीं रहता। तू जिसे ढूंढ रही है ना, पुलिस को भी उसकी तलाश है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कानून के लंबे हाथ उसे एक ना एक दिन जरूर पकड़ लेंगे। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच राय साहब। जनता की सेवा करना तो मेरा धर्म है, फिर कभी मेरी जरूरत पड़े तो इधर जरूर आइएगा। अच्छा हम चलते हैं राय साहब। अच्छा जी, नमस्ते। मॉर्निंग। नमस्ते राय साहब। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ रखिए। थैंक यू। कहिए कैसे आना हुआ? राय साहब मैं इस इलाके में नया नया आया हूँ, आपकी बहुत तारीफ सुनी तो मिलने चला आया। धन्यवाद धन्यवाद, हम तो किसी लायक ही नहीं, तारीफ के काबिल तो आप लोग हैं जो देश और जनता दोनों की सेवा करते हैं। ये बात नहीं है राय साहब, मैं तो समझता हूँ कि हम पुलिस वालों को आप जैसे महान पुरुषों का सहयोग मिल जाए तो हम लोग देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये सारा इलाका जानता है कि मैं कानून और पुलिस का बहुत पुराना सेवक हूँ। कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राय साहब आप यहीं के रहने वाले हैं और डाकू अजय सिंह का भी इलाका यही है, मेरा ख्याल है आप उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते होंगे। इंस्पेक्टर साहब, अजय जितना बहादुर है उतना चालाक भी, वो जितना बड़ा डाकू है उतना ही बड़ा दानी भी, इसीलिए यहाँ के लोग उससे इतना प्यार करते हैं कि चाहे उनकी जान भी चली जाए लेकिन वो पुलिस को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। यही तो मुश्किल है राय साहब, हम तो जनता की मदद करना चाहते हैं लेकिन जनता हमारी मदद करने को तैयारी नहीं होती। मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुश्किल तो ये है कि भेष बदलने में भी अजय का कोई जवाब नहीं। वो चाहे तो मेरा भेष बदल कर आपको धोखा दे दे और चाहे तो आपकी शक्ल बनाकर पुलिस वालों को धोखा दे दे। वो कमबख्त तो छलावा है साहब, छलावा, किसी के हाथ ही नहीं आता। आपसे भी पहले उसे पकड़ने के लिए कई पुलिस इंस्पेक्टर्स आए मगर उनमें से कोई वापस जिंदा नहीं गया। मैं जानता हूं राय साहब, वो सारे के सारे अजय के हाथों मारे गए, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं वापस जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं, अजय को साथ लेकर जाऊंगा। मेरा नाम भी इंस्पेक्टर वर्मा है राय साहब। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जनाब, मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा। जरूर जरूर राय साहब। अच्छा अभी जा दीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा जनाब।
वर्मा। तो आप मुझे रिपोर्ट देने आए हैं कि इंस्पेक्टर वर्मा भी मारे गए? बड़े शर्म की बात है। अगर आप लोग इसी तरह काम करते रहे तो हमारे कई और अफसर भी मारे जाएंगे, मगर अजय सिंह फिर भी हमारे हाथ नहीं आएगा। मिस्टर कपूर, यस सर, ये हमारी इज्जत का सवाल है। मैं चाहता हूं इस केस को आप खुद इन्वेस्टिगेट करें। ओके सर। नमस्ते अजय। हो शख सिंह, आओ बैठो। जी? अरे बैठो, घबराओ मत, बैठ जाओ। शुक्रिया। तुम्हारे अच्छे रवैये और सुलूक से खुश होकर हुकूमत ने तुम्हारी सजा वक्त से पहले ही खत्म कर दी। जी। और साथ ही साथ खेती बाड़ी के लिए 5 बीघे जमीन, हाँ, और ये 10,000 रुपए ताकि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सको। क्यों, क्या बात है शक्ति से? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आई जी साहब, मैं खुश हूं, मैं सचमुच बहुत खुश हूं। आज मुझे मां याद आ गई। मां कहा करती थी, शक्ति एक दिन तेरे पास अपनी जमीन होगी, तेरे अपने हल बैल होंगे, तुझे किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी बेटे। आज कुदरत ने सब कुछ दे दिया पर मां मुझसे छीन। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं शक्ति सिंह, लेकिन ये ना भूलो कि ये देश, ये धरती भी तो तुम्हारी मां है। याद है तुमने मुझे एक दिन ये कहा था, अगर हुकूमत हमें मौका दे हम ये साबित करके दिखा देंगे कि हम भी एक नेक और अच्छे शहरी बन सकते हैं। आज हुकूमत ने तुम्हें यह मौका दिया है। भरोसा रखिए आईजी साहब, हुकूमत को जो उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं, मैं अपने आप को उससे बेहतर साबित करने की कोशिश करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आओ शक्ति, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ खास बातें करनी है। चलो मेरे साथ। शरबत, शरबत जी। शरबत, भाई साहब आप कहीं, ये विजय सिंह जी, आप जैसे धर्मात्मा आदमी और यहाँ मधुशाला में। राय साहब, बहके हुए लोगों को रास्ता दिखाने के लिए कभी कभी इंसान को खुद भी गलत रास्ते पर चलना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी आप पी भी लेते होंगे। पीने को तो इंसान सब कुछ पी लेता है राय साहब, आंसू भी, गुस्सा भी, और कभी कभी जहर भी। जहर इंसान को मारता है और शराब इंसान को जिंदगी देती है। कहिए तो जिंदगी के नाम पर एक एक जाम हो जाए। माफ कीजिए राय साहब, मैं नशा नहीं करता। नशा बुरी चीज तो नहीं है बरखुदा? जो चीज इंसान के होश उड़ा दे वो अच्छी भी तो नहीं। लेकिन नशा तो गम गलत करता है बरखुदा। एक गम गलत करता है राय साहब, लेकिन 100 रोग लगा भी तो देता है। रोगी इस दुनिया में कौन नहीं है बरखुदा? इस दुनिया में जन्म लेकर हर एक को कोई ना कोई रोग तो लग ही जाता है। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बताइए वो डाकू अजय सिंह के बारे में कुछ पता चला? चल जाएगा। एक बात समझ में नहीं आई बरखुदा,
दौलत कमाने के लिए दुनिया में कई आसान तरीके हैं, क्या ये जरूरी है कि उसके लिए जान जोखिम में डाली जाए? राय साहब, इंसान वही है जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जीता है। मुझसे ज्यादा मेरी जिंदगी पर मेरे देश और देशवासियों का अधिकार है। इनकी सेवा करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। रही दौलत कमाने की बात, इंसान होने के नाते कुछ उसूल भी हैं, कुछ आदर्श भी हैं, जो मेरे लिए दुनिया की हर दौलत से ज्यादा अजीज है। इनके लिए मैं आज ऐसे ही तो क्या दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत से भी टकरा सकता हूं। आपका ख्याल बहुत ही बढ़िया है, मगर जवानी के जोश और बुढ़ापे के तजुर्बे में यही तो एक फर्क है। तजुर्बा हर कदम सोच समझ कर उठाता है और जोश बिना सोचे समझे जज्बात के रोह में बह जाता है। मैं आपसे एक बात फिर कहता हूं, अगर आप मेरे साथ काम करने को तैयार हो जाए तो इसमें हम दोनों का फायदा है। आपकी पेशकश का बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूं उसमें सिर्फ हम दोनों का नहीं बल्कि सारे देश का फायदा है, और देश के फायदे में हम सब का फायदा है। इजाजत चाहूंगा। अच्छी बात है बरखुर्दा। लेकिन हुजूर वाला मुंह गोरा लिबास काला खोलिए, खामोशी का ताला आप है कौन है? न मैं दरवेश न सिकंदर हूँ, न मैं खतरा हूँ न समंदर हूँ, मैं हूँ मस्ती में मस्त मस्ताना, लोग कहते हैं कि कलंदर हूँ। साहिबानो साहिबानी का तुम्हारी शुक्रिया, मेहरबानो मेहरबानी का तुम्हारी शुक्रिया, तुमने जो तारीफ की बंदे का दिल खुश हो गया, कदरदानो कदरदानी का तुम्हारी शुक्रिया। तो फिर हो जाए तुम्हारी मस्तानी आवाज में कोई अड़कती हुई चीज, छेड़ दो साज। साज भी छिड़ जाएगा, नगमा भी गूंजेगा यहाँ, बस जरा सरदार आ जाए फिर हो महफिल जवान। महफिल तो जवान हो गई, अपना सरदार होने को आ रहा है सामने से। तुम कौन हो? हम तो हैं खाना बदोश, आवारा गर्दी काम है, रात दिन गर्दिश में रहते हैं, कलंदर नाम है। क्या मुराद है तुम्हारी? चाहता हूँ कुछ सुनाकर आपको मैं खुश करूँ, और जो कुछ आप दे दे उससे मैं झोली भरूँ। ठीक है, तो फिर सुनाओ कोई फड़कती हुई चीज। चीज ऐसी मैं सुनाऊ, नाम हो जाए मेरा, मस्त होकर आप झूमे, काम हो जाए मेरा। महफिल में जो शरेआम आ गए, सुराही झुक गई पैमानों के सलाम आ गए, और फिर महफिल में पैमाना जो लगा झूमने, तो झूमता ही झूमता चला गया। महफिल में पैमाना जो लगा झूमने, तो झूमता ही झूमता चला गया।
पापी के गोरे हाथ लगा चूमने 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 ओ चूमता ही चूमता चला गया महफिल में पैमाना जो लगा चूमने ओ चूमता ही चूमता चला गया सादगी में भी हंसी हंसी होता है बात बात पे यकी यकी लगता है सादगी में भी हंसी हंसी होता है बात बात पे यकी यकी वो हम ख्याल हम सफर वो हम नशी मेरे महबूब सा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं मेरे महबूब को जो भी लगा देखने तो देखता ही देखता चला गया मेरे महबूब को जो भी लगा देखने तो देखता ही देखता चला गया महफिल में पैमाना जो लगा झूमने तो झूमता ही झूमता चला गया चला गया साकी के गोरे हाथ
लगा चूमने 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 ओ चूमता ही चूमता चला गया महफिल में तमन्ना चला चूमने ओ चूमता ही चूमता चला गया ओ चूमता ही चूमता चला गया जय माता की ठाकुर साहब। जय माता की। ठाकुर साहब गजब हो गया। क्या हुआ? कल रात से मोहन सिंह गायब है। मोहन सिंह गायब हो गया? जी, कल रात वो सबके साथ वापस आया, मगर आज सुबह जब मैं अड्डे पे पहुंची तो उसका सामान, घोड़ा, हथियार सब कुछ मौजूद था, लेकिन वो खुद गायब था। लेकिन वो गया कहाँ? ये तो मैं नहीं जानती, फिर भी मैंने बनवारी और किशन को उसकी तलाश में भेज दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं चला कि हमारे दुश्मनों ने उसको उड़ा दिया हो? हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वो अपनी मर्जी से गया है। नहीं ज्वाला, मुझे उसकी वफादारी पर पूरा भरोसा है, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता। ठाकुर, आप ये क्यों भूल जाते हैं, सरकार ने आपके सर पे 2 लाख रुपए का इनाम रखा है, और 2 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती, किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। तुम कहना क्या चाहती हो? ठाकुर, हो सकता है रुपयों के लालच में आकर मोहन सिंह हमारे साथ गद्दारी करने पे तुल गया हो। नहीं ज्वाला, नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो अपनी जान दे सकता है, लेकिन हमारे खिलाफ कभी जबान नहीं खोल सकता। बोल, तेरे सरदार कौन है? तू ऐसे नहीं मानेगा. यही है ना सरदार? बोल। वाले ये लड़कियों ने पिस्तौल रखना कब से शुरू कर दिया? जब से मर्दों ने चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया। ऐसे ही लगता है कि तुम्हारे गांव के मर्द चूड़ियां पहनते हैं। टको मत, तुम्हारी वजह से आज डाकू मेरे हाथ से बचकर निकल गए। तो तुम डाकुओं का पीछा कर रही थी? हाँ, तो तुम क्या समझे मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी? मैम साहब, अगर तुम मेरा पीछा करोगी ना तो बहुत फायदे में रहोगी। क्या मतलब?
मतलब ये कि डाकुओं तक पहुंचना आसान हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली निपट लूंगी उनसे। अकेला तो इंसान अपने आप से नहीं निपट सकता मेम साहब, वो तो फिर डाकू है। ठीक है ठीक है, तुम निकलो यहाँ से। हाँ निकल तो जाऊंगा, लेकिन ये बताइए कि आप इस इलाके की चौकीदार हैं क्या? चौकीदार नहीं साहेब, मैं यहाँ की जागीरदार हूँ, ये सारी जागीर मेरी है। अच्छा तो जागीरदार साहेब एक बात बताइए, आप उन डाकुओं का पीछा किस खुशी में कर रही थी? ये मेरा जाती मामला है, तुमसे मतलब? बतला दीजिए मेम साहब, मैं बड़े काम की चीज हूँ। हो सकता है कि मेरी जात से आपके जाती मामले को कुछ फायदा पहुंचे। मेरा फायदा नुकसान सोचना तुम्हारा काम नहीं है, बेहतर यही होगा तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। अच्छा मैम साहब चला जाता हूँ, लेकिन एक बात का जरूर ख्याल रखना, किसी ना किसी दिन हम जरूर काम आएंगे। चल बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन हमसे गद्दारी करने पर तैयार हो गया था। हाँ ठाकुर, वो तो अच्छा हुआ कि हमारे आदमी सही वक्त पर पहुंच गए, वरना उसकी जुबान खुल चुकी थी। लेकिन वो आदमी कौन था जो हमारा राह जानना चाहता था? वही आदमी जो आपसे मधुशाला में मिला था। विजय सिंह बरखुरदार, ये तस्वीर सैकड़ों बार छपी, हजारों बार दीवारों पर टंगी और लाखों लोगों ने इसे देखा, लेकिन आज तक किसी की तमन्ना पूरी नहीं हुई। मगर मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, और जिसे मैं एक बार देख लेता हूं वो हमेशा के लिए जेल की चक्की पीसता है या दूसरी दुनिया में चला जाता है। अगर हम चाहें तो इसी वक्त तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं, लेकिन क्योंकि तुम बहादुर हो और हम बहादुरों की कदर करते हैं, इसलिए आज तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अजय सिंह को पकड़ना और हवा पर काबू पाना एक ही बात है। नहीं अजय सिंह, अगर इंसान का इरादा पक्का हो तो वह हवा का रुख भी बदल सकता है। तुम हवा का रुख बदलना चाहते हो और हम तुम्हारी जिंदगी का रुख बदलना चाहते हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूं? हम जानते हैं तुम अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम चला रहे हो, बहुत नेक काम कर रहे हो। ये लो 2,00,000 रुपए और मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाओ। नहीं अजय सिंह, मुझे आश्रम चलाने के लिए वो रुपया नहीं चाहिए जिससे हासिल करने के लिए न जाने तुमने कितने बेगुनाहों का खून किया है, न जाने कितने घर बर्बाद किए हैं। मेरा आश्रम हक और इंसाफ के रुपए पर चलता है, जुर्म और गुनाह की लूटमार से नहीं। मेरी बात को ठुकरा कर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है विजय सिंह, और उसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। वो वक्त आने पर देखा जाएगा। वक्त आता नहीं बरखुरदार, लाया जाता है। रोशनी कहां थी 4 दिन से? कहीं भी तो नहीं काका, बस वो जंगलों में भटक रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मेरा ना सही, अपने खानदान की इज्जत का तो ख्याल करो। जवान लड़की का 4-4 दिन घर से गायब रहना कोई अच्छी बात नहीं। काका तुम मेरी चिंता मत किया करो। कैसे ना करूं, जो माली पौधे को खून पसीने से सींचता है उसी में तो उसकी जान होती है। जान पर खेल करे तो इंसान मंजिल तक पहुंचता है, और मेरी मंजिल क्या है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। जानता हूं, इसी बात का तो दुख है कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानती कि तुम हवा के पीछे भाग रही हो। हवा के पीछे? तो फिर तुम और क्या कर रही हो? तुम अपने माँ बाप का बदला लेना चाहती हो, मगर किससे? ना तुम उसका नाम जानती हो, ना तुम्हें उसका ठिकाना मालूम है, और ना तुमने उसको देखा ही है। मैं पूछता हूं अगर तुम्हें मिल भी गया तो तुम उसे पहचानोगे कैसे? बेगुनाह का खून खूनी के सर पर चढ़कर बोलता है काका, मुझे अपने दिल पर पूरा भरोसा है। वो हत्यारा जब भी मेरे सामने आएगा मेरी दिल की धड़कन उसे पहचान लेगी। विजय बेटा। हाँ माँ। ये डाकिया तेरे लिए चिट्ठी देके गया है।
जरूर शहर से आई होगी माँ, आश्रम में मुन्ने ने शरारत की होगी। हाय वाह। अरे ये चिट्ठी तो शहर से नहीं आई, फिर कहाँ से आई है? रूपनगर से आई है। क्या लिखा है? लिखा है अगले महीने शादी कर दें। ठीक ही तो लिखा है, मगर मेरी समझ में नहीं आता माँ, ज्योति की शादी की इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी क्यों ना हो बेटा, अब वो पराई अमानत बन चुकी है और पराई अमानत को ज्यादा देर घर में रखना अच्छा नहीं होता। जानता हूँ माँ, लेकिन ये शादी हो कैसे सकती है? शादी की कोई तैयारी भी तो होनी चाहिए। बेटा माँ लड़की के पैदा होते ही उसकी शादी की तैयारियां करनी शुरू कर देती है। तू फिक्र मत कर, मैंने सब इंतजाम करके रखा है। तू ठाकुर साहब को लिख दे कि वो मुहूर्त निकलवा कर हमें खबर दे दे। तो फिर लिखने की क्या जरूरत है, मैं जा ही रहा हूँ, ठाकुर साहब से भी मिल लूंगा और सारी बात पक्की कर लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, चल। अच्छा भैया, इस गांव में कैसे आए? क्या इस गांव में आने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़ती है? नहीं, मगर रोशनी को मालूम होना चाहिए कि इस गांव में कौन आया है और क्यों। रोशनी? मेरा नाम है। वाह, बहुत ही चमकदार नाम है। काम की बात करो, तुम हमारे गांव में किस लिए आए हो? अरे बात है, आपसे जिस जगह मुलाकात होती है वो जगह आप ही की निकलती है। वो कुआं जहां हम पहली बार मिले वो भी आप ही का था, वो खेत जहां हम दूसरी बार मिले वो भी आप ही के थे, ये गांव जहां हम तीसरी बार मिल रहे हैं ये भी आप ही का है। मुझे तो ऐसा लगता है वो घर जहां मैं जा रहा हूँ वो भी आप ही का निकलेगा। कहाँ जा रहे हो तुम? ठाकुर शमशेर सिंह के घर। ठाकुर काका से क्या काम है तुम्हें? काम तो बहुत कुछ था मेरे साथ, लेकिन इस मुलाकात के बाद सोचता हूँ कि ठाकुर साहब से आपका हाथ मांग लूं, क्या इरादा है? अरे बाप रे, ऐसा मुझे तो इससे बहुत डर लगता है। ठाकुर साहब देखिए तो। काका ठीक है काका, मैं सारी बातें माँ से कह दूंगा, और तो कुछ नहीं कहना आपको? और क्या कहना है बेटा, अरे ये तो हमारा भाग्य है कि तुम जैसा घराना मिला, तो केवल एक ही चिंता है। चिंता? किस बात की चिंता काका? रोशनी की बेटा। रोशनी? हाँ बेटा, मेरे एक पड़ोस वाले मकान में रहती है, उसके पिता ठाकुर यशपाल सिंह मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, उनके और भाभी के देहांत के बाद मैंने उसे पाला पोसा है, भगवान करे उसे भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए। ये तो संजोग की बात है काका, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। ठीक ही कहते हो बेटा, बस खैर छोड़ो बातों को, तुम सुनाओ तुम आजकल किसके चक्कर में हो? अजय सिंह। क्या बात है काका, क्या आप इसे जानते हैं? हाँ जानता हूं और पहचानता भी हूं। तो फिर इसके बारे में कुछ बताइए ना। बेटे पहले मुझे वचन दो कि मैं जो कुछ तुमसे कहूंगा वो तुम किसी से नहीं कहोगे, और खासकर रोशनी को तो इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए। मैं वचन देता हूं काका। सुनो बेटे, यही वो अजय सिंह है जिसकी वजह से मेरी ये दशा हुई है, यही वो अजय सिंह है जिसने यशपाल और भाभी की जान ली, और यही वो अजय सिंह है जिसकी तलाश में रोशनी दिन रात जंगलों और वीरानों में भटकती फिरती है। क्या रोशनी अजय सिंह के बारे में कुछ नहीं जानती? नहीं, मैंने ये राज अब तक उसे नहीं बताया। इसका मतलब है कि रोशनी एक अनजाने और अनदेखे दुश्मन का पीछा कर रही है। हाँ बेटा,
उसने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वो अपने माँ बाप के खून का बदला नहीं ले लेगी वो चैन से नहीं बैठेगी। मैंने रोशनी की कहानी सुनकर अपना इरादा बदल दिया है काका। मैंने सोचा था कि अजय सिंह को जिंदा पुलिस के हवाले करूंगा, लेकिन अब अजय सिंह नहीं, पुलिस को उसकी लाश मिलेगी। रोशनी की प्रतिज्ञा पूरी होगी काका। खुश रहो बेटा, जीते रहो। आप जा रहे हैं? ये अचानक मैं तुमसे आप कैसे बन गया? पहले आप मेरे लिए अजनबी थे और अब? मैंने पूछा आप जा रहे हैं? जाना तो पड़ेगा ही। शायद आपको मालूम नहीं, मेहमान आता है अपनी मर्जी से और जाता है दूसरों की मर्जी से। यहाँ हमें रोकने वाला है ही कौन? आए थे अपनी मर्जी से, जाएंगे भी अपनी मर्जी से। और अगर तुम्हें कोई रोकना चाहे तो? तब की तब देखी जाएगी। Thank you.
Thank you.
शक्ति तुम यहां? शक्ति हवा का झोंका है दोस्त, हर जगह वक्त पर पहुंच जाता है। जो वक्त पर काम आए वही दोस्त कहलाने का हकदार होता है। मैं यहां अपना हक जताने नहीं आया, फर्ज निभाने आया हूं। शक्ति, तुमने मेरी जान बचाकर मुझे खरीद लिया है, मैं तुम्हारा एहसान मेरे एहसान की कीमत चुका सकते हो। क्या मतलब? अजय सिंह की लाश मेरे एहसान की कीमत होगी। अजय सिंह की लाश या 2 लाख रुपए? लाश मेरी, इनाम तुम्हारा। क्या कोई पुराना हिसाब चुकाना है क्या? नहीं, एक नया हिसाब चुकाना है। उसने मेरे एक दोस्त को ललकारा है। कौन है वो खुशनसीब? मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें उसकी तस्वीर नजर आएगी। बड़े शर्म की बात है, इतने आदमी होकर एक आदमी को नहीं पकड़ सके। चुल्लूमार पानी में डूब मरो। विजय सिंह पूरी तरह मेरी बातों में आ चुका था, हमारे आदमियों ने उसे घेर भी लिया था, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी आंखों में थूल झोंककर भाग निकला। मुझे इन निकम्मों से तो कोई उम्मीद नहीं थी, मगर समझ में नहीं आता ज्वाला, तुम्हारे होते हुए विजय सिंह कैसे निकल गया। ठाकुर, अगर वो अकेला होता तो मेरे हाथों से उसका बच निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो क्या पुलिस उसके साथ थी? नहीं। तो फिर कौन था? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन दूसरा कोई जरूर था, क्योंकि गोलियां हम पर दो तरफ से चली थी। दो तरफ से? हाँ ठाकुर। दूसरी तरफ से गोली चलाने वाला कौन हो सकता है? हमने बहुत कोशिश की ठाकुर, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका। भागो मत! तुम लोगों की लापरवाही से बना बनाया खेल बिगड़ गया। लेकिन ठाकुर, इस वक्त हमें ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि वो अजनबी है कौन जिसने हमारे शेरों के मुंह में से हमारा शिकार छीन लिया। तुम इन गीदड़ों को शेर बोलती हो, इनसे कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ भी होना है मैं खुद ही करूंगा। तुम जाओ। मैं आप ही से मिलने आया हूं और ये कहने आया हूं, जिस तरह आप अपने इलाके में मेरा और मेरे साथियों का आना पसंद नहीं करते, उसी तरह मैं भी अपने मामले में आपका दखल देना पसंद नहीं करता। जब से मैंने जुल्म को जुल्म समझ लिया है, मैं किसी पर किसी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। जालिम और जुल्म को खत्म करने के लिए शक्ति सिंह पहाड़ से टकरा सकता है, तो फिर तू क्या चीज है? अब आपकी मुंह से बहादुरी की बातें अच्छी नहीं लगती। आप तो बहादुरी का काम छोड़कर पथरीली जमीन का सीना चीरकर रोजी कमाने में लग गए। इंसानों का सीना चीरकर रोजी कमाने से यह काम 100 गुना बेहतर है अजय सिंह। हर रोज सुबह से शाम तक चिलचिलाती धूप में मेहनत करना, जमीन को पानी की तरह पसीना पिलाकर चंद दाने उगा लेना, इसी को कमाना कहते हैं आप? जमीन से उगने वाला अनाज का एक एक दाना किसान के लिए उसके बच्चे के बराबर होता है। उसे पाकर उसे कितना सुख कितना चैन मिलता है, इसका एहसास तुम नहीं कर सकते। जिंदगी में खोया हुआ सुख और चैन अगर वापस पाना चाहते हो तो उतार कर फेंक दो इस गंदे चूल्हे को और पहन लो किसान की पोशाक, और फिर एक बार धरती के सीने से लगकर देख, तुझे महसूस होगा जैसे माँ ने अपनी गोद में ले लिया हो। अजय सिंह के बाजुओं में अभी बहुत ताकत है, उसे किसी मां की गोद की जरूरत नहीं। वक्त ने बड़े बड़े सूरमाओं के घमंड तोड़ दिया। अजय,
और जब पुलिस की गोली सीना चीर कर पार होगी उस वक्त लड़खड़ा कर इसी माँ की गोद में गिरोगी। लेकिन याद रखो उस वक्त ये माँ भी तुम्हें सहारा देने से इनकार कर देगी। चले जाओ। अब तक मैं तुम्हें समझा रहा था लेकिन अब चुनौती देता हूं, अगर तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने मेरे इलाके में कदम रखा तो अंजाम की जिम्मेदारी तुम पर होगी। अंधे हो क्या? ये मेरे खेत है, कोई घोड़े दौड़ाने का मैदान नहीं। अरे वाह, एक तो सारे खेत का सत्यानाश कर दिया और ऊपर से आंखें दिखाते हो। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मुझे कोई जरूरत नहीं जानने की, माफी मांगो और सीधा अपना रास्ता नापो। नहीं, शुक्र करो कि तुम एक लड़की हो, वरना ऐसी बेहुदा बात करने वालों का हम जमीन में गाड़ देते हैं। अरे जाओ जाओ, बड़े आए जिंदा गाड़ने वाले। शुक्र करो कि तुम परदेसी हो, जाओ माफ किए देती हूँ, लेकिन फिर कभी इन खेतों में घोड़े दौड़ाए तो कभी माफ नहीं करूंगी। तुम जितनी गुस्ताख हो उतनी बहादुर भी, और हम हमेशा बहादुरों की कदर करते हैं। मुझे कहाँ खोगे तुम? कहीं भी तो नहीं। तो फिर चुप क्यों हो? मैं कुछ सोच रहा था। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि पहले बताओ क्या सोचे थे तुम? नाराज हो जाओगे। नहीं बताओगे तो जरूर हो जाऊंगी। तो फिर सुनो, मैं बच्चों के बारे में सोच रहा था। बच्चों के बारे में? किसके बच्चे? मेरे बच्चे। तुम्हारे बच्चे? तो क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं तो। तो फिर तुम्हारे बच्चे कैसे हुए? क्या बच्चों वाला होने के लिए शादी करना जरूरी है? क्या मतलब? अरे मेम साहब, शादी के बगैर भी तो बच्चे हो सकते हैं। विजय, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ रोशनी। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्यों निकले? अरे पहले मेरी बात पूरी तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। लेकिन मुझे कुछ कहना है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, राजू, रानी, मिकी, बिल्लू, जीतू, चिंतू। अंकल आ गए। हाय किड, हाउ आर यू? कैसा है तू? अंकल अंकल, ये कौन है? तू बता शशि। ये हमारी नई मैट्रिन है। नहीं बेटे, ये तेरी नई मैट्रिन नहीं है। अंकल जी, ये हमारी नई टीचर है। नहीं, ये तुम्हारी नई टीचर भी नहीं है। तो फिर तुम सोचो। सोचो। मैं समझ गया। क्या समझ गया? तुमने बोला था ना कि हम तुम्हारे लिए मम्मी लाएंगे। ये मेरी मम्मी है। कभी कभी सोचता हूँ तो ताज्जुब होता है, कहाँ तुम और कहाँ मैं। ना उस दिन की मुलाकात होती, ना हम तुम मिलते, और ना ही ये कहानी बनती। ये सब इत्तेफाक की बात है विजय। नहीं रोशनी, इत्तेफाक सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं। बार बार सिर्फ वही होता है जो ईश्वर चाहता है, और ईश्वर क्यों चाहता है ये वही जाने। शायद तुम ठीक ही कहते हो। आज तक जनता को पुलिस पर जो विश्वास था अब तो वो भी उठ गया। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप लोगों को हो क्या गया। इतनी बड़ी फोर्स के होते हुए अभी तक आप अजय सिंह को गिरफ्तार नहीं कर चुके। सर, अजय सिंह जरूरत से ज्यादा चौकन्ना और चालाक। उसकी आंखें हमेशा हमारे हर मोमेंट पे लगी रहती। हम जब भी पूरी फोर्स के साथ उसे पकड़ने के लिए जाते हैं वो लापता हो जाता है और हमें नाकाम वापस लौटना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ
कि हम माया सिंह को कभी पकड़ ही नहीं सकते। ये बात नहीं है सर। तो फिर बात क्या है? क्या आप नहीं जानते इस ऑपरेशन में हमें अपने कितने बहादुर जवानों और अफसरों की जाने कुर्बान करनी पड़ी? आप लोगों की लापरवाही की वजह से आज देश के सारे लोग हमारे महकमे पर उंगलियां उठा रहे हैं, उधर अखबार वाले अलग छोड़ मचा रहे हैं, इधर होम मिनिस्ट्री से लोग चिट्ठी पर चिट्ठी आ रहे हैं। आखिर मैं उन्हें क्या जवाब दूं? सॉरी सर। सॉरी कहने से क्या होता? मुझे तो लगता है कि आप लोगों से कुछ नहीं होगा। अजय सिंह को पकड़ने के लिए मुझे स्पेशल स्क्वाड का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जय हो ठाकुर। अजय, तुमने अड्डा तो बदल लिया लेकिन तकदीर नहीं बदल सकते। शक्ति और विजय का साथ एक दिन हम सबको जेल भिजवा कर रहेगा, देख लेना। शक्ति सिंह को हल चलाने से फुर्सत नहीं, और विजय सिंह आज नहीं तो कल मेरी गोली का शिकार होगा। ततास्तु ततास्तु। ठाकुर का भाग्य बड़ा बलवान है, शिकार खुद ब खुद शिकारी के जाल में फंस गया है। क्या मतलब? मतलब यह है ठाकुर, विजय सिंह अपनी बहन के शादी के सिलसिले में अपनी माँ और बहन के साथ पास वाले गांव में आया हुआ है और ठाकुर शमशेर सिंह के यहाँ ठहरा हुआ है। शमशेर सिंह? यशपाल सिंह का दोस्त, जिसने उस लड़की को पाला है जो आज तुम्हारे खून की प्यासी है। कौन है वो लड़की? यशपाल की बेटी रोशनी। अगर तुम्हें याद हो तो आज से कुछ साल पहले तुमने उसके माँ बाप का खून करके उसकी दुनिया अंधेरी कर दी थी। ये बड़ी चिंगारी है जो आज शोला बन चुकी है और दिन रात अपने माँ बाप के खून का बदला लेने के लिए तुम्हारी तलाश में रहती है। अजय, अजय सिंह, कल तक वो लड़की हमारे कब्जे में होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, भगवान ने इंसान को आंखें दी, कान दिए, काहे के लिए दिए? देखने और सुनने के लिए। क्यों? तो फिर लोग जानबूझकर अंधे और बहरे क्यों बन जाते हैं? क्या मतलब? सब कुछ जानकर अनजान क्यों बनती हो? कोई हजार आंखों में प्यार भर कर तुम्हें देखे, नाक अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख दे, मगर तुम न देखो न समझो न पिघलो। ये तुम किसकी बात कर रही हो? उसी की, जो बेचारा मंदिर में टकटकी बांधे तुम्हें निहार रहा था। लगता है बड़ी हमदर्दी है तुम्हें उससे। अपनों को अपनों से हमदर्दी कैसे न होगी? मैं तो कहती हूँ खेल ही खेलना है तो मेरी तरह खुल कर खेलो। चोरी चोरी क्यों? जैसे तुम बड़ी साहूकार हो। इसमें क्या शक है? वैसे एक बात है, तुम्हारे चुनाव का जवाब नहीं, लड़का लाखों में एक है। तुमने कहा देखा उसे? मैं तो रोज ही देखती हूँ। कहो तो बात छेड़ दूं? इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी तुम्हें नहीं, मुझे तो है। तो यूं कहो ना कि तुम्हें जल्दी है, आज ही कर दूं काका से बात। अरे घर की बहन हो? हाँ, मैं पूछती हूँ तुम्हारे आदमी मुझे यहाँ इस तरह क्यों लाए हैं? उनसे ये भूल हो गई। उन्हें इस भूल की सजा भुगतनी पड़ेगी। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।
तुमसे हमारा कोई बैर नहीं। मेरे लोग तुम्हें यशपाल की बेटी समझ कर यहाँ उठा लाए हैं। तो उनसे कह दो कि जिस तरह मुझे यहाँ लाए हैं उसी तरह वापस पहुंचा दे। घबराओ नहीं, हम डाकू जरूर हैं लेकिन जात के ठाकुर हैं। हमारे भी अपने उसूल होते हैं। मुझे तुम्हारे भाई से एक हिसाब चुकाना है, इसलिए हम तुम्हें फौरन वापस नहीं भेज सकते। तुम्हें कुछ दिनों के लिए हमारे यहां रहना होगा। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं जब तक तुम हमारे साथ हो यहां तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तुम हमारी मेहमान ही नहीं बल्कि एक बहन बनकर रहोगी। इसका मतलब है मेरे माँ बाप का खून अजय सिंह ने किया है, उसी से तो मुझे उनके खून का बदला लेना है। तुम? हाँ मैं, तुम्हारी मौत। मौत? मौत के पास क्यों आई है? एक पुराना हिसाब चुकाने। कैसा हिसाब? अनजान मत बनो अजय सिंह। अगर मुझे पहले मालूम होता कि मेरे माँ बाप का खून तुमने किया है तो ये खेल कब का खत्म हो गया होता। लड़की तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। अपनी नापाक जुबान से मेरी गंगा जैसे पवित्र माँ का नाम मत ले हत्यारे। फूलो मत लड़की, तुम ठाकुर अजय सिंह से बात कर रही हो। ठाकुर वो होते हैं जो बहादुर से अपनी जान दे देते हैं, चालाकी से किसकी जान नहीं लेते। दुश्मन पर काबू पाने के लिए कभी कभी चालाकी से भी काम लेना पड़ता है, और फिर जब दो दुश्मन टकराते हैं एक की जान तो जाती है। तो समझ ले आज तेरी जान मेरे हाथ से जाने वाली है। हमें यह देखकर खुशी हुई कि चूड़ियां पहनने वाले नाजुक हाथ खतरनाक हथियार से खेल सकते हैं। वक्त पड़ने पर ये हाथ आग भी उगल सकते हैं अजय सिंह। तो फिर देर किस बात की, हम भी तो नमूना देखें। अभी दिखाती हूँ, पहले ज्योति का पता चल जाए। ओ, तो तुम ज्योति को लेने आई हो, पहले क्यों नहीं बताया? हमारा तुम्हारा हिसाब बहुत पुराना है, बाद में चुका लेंगे। आओ पहले ज्योति से मिलाए तुम्हें। चालाक बनने की कोशिश मत करो, हाथ ऊपर उठाओ अजय सिंह और मुझे वहां ले चलो जहां ज्योति को छुपा रखा है। लड़की तुम हमारे दुश्मन हो लेकिन बहादुर भी, और अजय सिंह बहादुरों की कदर करना जानता है। मरने से पहले तुम्हें बदला लेने का पूरा मौका दिया जाएगा। ले जाओ इसे। चाहते हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा रानी, जरूर चला जाऊंगा, मगर अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। जरा तो सोचो, तुम भी जवान मैं भी जवान, पर ये सुहानी रात, जरा दिल के अरमान तो निकाल लो रानी। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। कमीने, तू ऐसे नहीं मानेगा। घर में निकल जाएगी रानी। रानी के कुत्ते। क्यों हो गए अरमान पूरे? उठ उठ साले।
हो गई गर्मी ठंडी हराम दादे। पियो जी भर के पियो। आज हमने इतना बड़ा हाथ मारा कि खबर ठाकुर भी सुनेगा तो खुश हो जाएगा। संभालना भैया मारती राव, तुम क्यों उदास हो भाई? उस्ताद मुझे मत छेड़ो, मैं बहुत दुखी हूँ। इतना बड़ा डाका मारा, इतना बड़ा हाथ मारा, मगर वो नहीं। अरे भैया दारू के डिरम भरे हुए हैं, जितनी मर्जी आए पियो, मर्जी आए चुपकी में लगा लो। अरे उस्ताद पीने को तो मैं जितनी चाय पी सकता हूँ, जब चाय पी सकता हूँ, मगर एक चीज की कमी है। अबे देखो पहलिया मत बुझाओ, मतलब की बात करो। अब देखो दारू से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं, समझे? पियो सब कुछ भूल जाओ। लो मार लो दो घूंट। बहुत मार ली उस्ताद, अब नहीं मारी जाती। अरे भाई जब बगैर पूछे इतनी मारी है तो दो घूंट और मार लो, हिम्मत तो मार लेते हैं। जाने दे। बस उस्ताद, बस उस्ताद, ये दारू से दिल की आग और भड़क उठती है, और इस आग को न दौलत न जेवर न कपड़े बुझा सकती है। तो वो कौन सी चीज है जो इस आग को बुझा सकती है? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, वो बेमिसाल चीज है लड़की। देखा भाइयों, थोड़ी सी पेट में गई और इसे लड़की का दौरा पड़ा। मेरी आग पड़ गई और वो देखो सामने लड़की। हाँ वो देखो सामने। अब यार, अरे सर को किसको बाबा। लड़की गायब, अभी आई और अभी गायब, किधर गई? खटिया है और लड़की गायब, कमाल है। उधर होगी। इधर भी नहीं है, किधर गई राम प्यारे? राम प्यारे, अरे किधर चली यार? लड़की कमाल की है, गायब होती रहती है। शाम की बेला, पिकल बेला, शाम की बेला, पिकल बेला, मिल गया मुझको सही अकेला। उसने देखा, मैंने देखा, उसने देखा, मैंने देखा, दोनों खा गए चार का धोखा। बोली भाली समझ के मुझको चला तो मैंने रोका और कहा, मुझे बोली ना समझ कसम से, ओ राजा बड़ा गजब करूंगी। मुझे भोली ना, मुझे भोली ना समझ कसम से, ओ राजा बड़ा गजब करूंगी। भोली ना समझ कसम से, ओ राजा बड़ा गजब करूंगी। खुश रहेगा तू मेरे दम से, ओ
बख्तों को चकमा दे सकती है मुझे नहीं, तूने जो मेरे साथ सलूक किया है उसका मजा चख। कौन हो तुम? अपने बाप को नहीं पहचानता? हाँ बदतमीज, जानता नहीं मैं कौन हूं? एक लड़की पर हाथ उठाने वाला ना मर्द। मर्द के हाथ क्या होते हैं आज मैं दिखाता हूं तुझको। उठ। उठ साले, चलो चलो। ज्योति कहाँ है? मैं नहीं जानता। अगर अभी तूने नहीं बताया तो एक गोली तेरे सीने के आर पार कर दूंगा। बोल। महाकाली के जंगल में। किस जगह? काली गुफा में।
यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम करने आए हो, जहां तुम जा रहे हो वहीं से वापस आ रहा हूं। लेकिन ज्योति कहाँ है? शक्ति जानते हो, उन कमीनों ने ज्योति को इसी गुफा में कहीं छुपा रखा है। उन्होंने तुमसे झूठ बोला है विजय, मैंने इस गुफा के चप्पर चप्पर छान मारा है, ज्योति यहां नहीं है। तो फिर उस हरामजादे को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा विजय, और वहां तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। क्यों? तुम खुद समझदार हो, कोई भी डाकू ज्यादा देर अपने अड्डे पे नहीं टिकता, और तुम उसका अड्डा देख चुके हो, तुम समझते हो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वो कहीं भी हो शक्ति सिंह, मैं उस कमीने को ढूंढ निकालूंगा। ये काम मुझ पर छोड़ दो, इस वक्त तुम्हारा माँ के पास रहना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं, मैं माँ को ज्योति के बगैर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तुम क्या समझते, ज्योति मेरी बहन नहीं है? जय, उन हरामजादों ने ज्योति को अगवा करके मेरे गिरे बाप के हाथ डाला है। दुनिया का कोई अंधेरा ज्योति को हमसे छुपा नहीं सकता। मैं तुम्हारा भाई हूं, इस वक्त माँ की जान को खतरा हो सकता है, जल्दी घर जाओ। जाओ विजय, मेरा कहना मानो, जल्दी जाओ। माँ, ज्योति कहाँ है? अभी तक कुछ पता नहीं चला माँ। जरा सोच, जब गांव वालों को पता चलेगा कि ज्योति को डाकू उठाकर ले गए, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? दुनिया हमारे खानदान पर थूकेगी, तुझ पर उंगलियां उठाएंगी, मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। हो सकता है कि ठाकुर साहब इस शादी से इनकार कर दें। ठाकुर साहब इस शादी से क्यों इनकार कर देंगे माँ, इसमें ज्योति का क्या कसूर है? लड़की के दामन को जब दाग लगता है तो लोग यही नहीं सोचते कि कसूर किसका है, उन्हें तो जहर उगलने का मौका मिलना चाहिए। सीता जी की भी तो शादी हो चुकी थी, फिर भी जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा से बाहर पांव रखा तो दुनिया ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। न जाने मेरी बच्ची सोच कहां। तू चिंता मत कर माँ, मत कर, वो जहां भी होगी ठीक होगी, उसे कुछ नहीं होगा। याद रख विजय, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी माँ, अगर ज्योति तुम्हारी बेटी है तो मेरी बहन भी है। बहन का इतना ख्याल होता तो आज ये घटनाएं ना होती। तू सिर्फ अपने बच्चों के सुख चैन के लिए उस डाकू के पीछे पड़ गया है, और तेरे बच्चों की वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ गई है। अगर तू यही समझती है माँ, तो मैं तेरे दूध की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मैं ज्योति को वापस नहीं ले आता, मैं तुझे अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। हे भगवान, तुम मेरे बच्चों की रक्षा कर, जान की रक्षा हो ठाकुर। आओ आओ तोताराम, क्या बात है, बहुत दिनों से तुम्हारा तोता कुछ नहीं बोला। तोता बूढ़ा हो गया है ठाकुर, परंतु बुढ़ापे ने रंगीन जवानी के सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। आज शास्त्री तोताराम की आंखें शुभ विवाह का मंडप सजा कर लाई है, हवन कुंड में पवित्र अग्नि जल रही है, लगन मंडप में उपस्थित बराती पंडित के मधुर श्लोक सुन रहे हैं, चारों ओर शहनाई मधुर शहनाई गूंज रही है। इसका मतलब शादी हो रही है? अवश्य ठाकुर अवश्य, परंतु हमने अपनी इस ज्ञान विद्या से ये प्राप्त किया है कि ये शादी कोई साधारण शादी नहीं है, बल्कि सेठ मोतीलाल हीराचंद की इकलौती गुणवंती लाजवंती सुपुत्री की है। बृहस्पतिवार संध्या 6:56:36 का मुहूर्त निकला है। बड़ा ही शुभ अवसर है, संपूर्ण जौहरी बाजार बिखरा पड़ा होगा, अरबों की संपत्ति समेटे और झोली में लपेटे और जीवन भर आराम से लेटे, यही तोताराम की विद्या कहती है ठाकुर। हर सुबह तुम्हारी
बदतमीजी है बरखुदार, चाल और चेहरा बदल कर दुनिया को धोखा दे सकते हो अजय सिंह, लेकिन गुरु को नहीं जिससे ये सब गुर सीखे हैं। गुरु और चेले का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था शक्ति सिंह, जिस दिन तुम एक डाकू से मामूली किसान बन बैठे।
इस धरती से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। ये धरती मेरी माँ है और मैं इस पर कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अपनी आंखें बंद कर दो। अब तुम्हारा जमाना गया शक्ति सिंह, यहां मेरा राज है। मैं तुम्हारी तरह बुजदिली को शराफत के चोले में नहीं छुपा सकता। जिसे तुम बुजदिली का चोला कहते हो अजय सिंह, उसे पहनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, जो तुम जैसे कायरों की बस की बात नहीं। अब बोलो शक्ति सिंह। मैं नहीं। तुम इनसे कहो कोई आगे नहीं आए। अब इनसे कहो कि ज्योति को लेकर आए। कौन ज्योति? जिसे तुम उठाकर ले गए और जिसके सहारे तुम विजय पर कब्जा करना चाहते हो। अजय सिंह, ज्योति इस गांव की बेटी है। अगर तुम फौरन उसे लेकर नहीं आए तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ज्योति को ले आओ। मैं विजय की माँ हूँ। सलाम माँ जी। सलाम। बैठो बेटी बैठो। तुम कौन हो? मेरा नाम जमीला है माँ जी। मैं आपको लेने आई हूँ। मुझे लेने आई हो? जी हाँ, आप फौरन मेरे साथ चलिए। विजय साहब बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। मेरा विजय जख्मी हो गया है? कहाँ है वो? जी मेरे घर में, ज्योति भी उनके साथ है। क्या विजय ने उसे डॉक्टर के पंजे से छुड़ा लिया है? उन्हीं की गोलियों से तो वे जख्मी हुए हैं माँ जी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जान पर खेलकर वे डाकुओं के अड्डे से भाग निकले। वो यहीं आ रहे थे लेकिन जख्मों की ताब न ला सके और घोड़े से गिरकर ठीक मेरे मकान के सामने बेहोश हो गए। हाय राम, अब क्या होगा? माँ जी, ज्योति बहुत घबराई हुई है। उसने मुझे यहाँ का पता बताकर आपके पास मुझे आपको लाने के लिए भेजा। भगवान तेरा भला करे, मुझे मेरे बच्चों तक पहुँचा दे। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? हमारे मुंह पर गाली लग गई, हमें जलील होना पड़ा और तुम कहती हो कि परेशानी की क्या बात है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ही तो कहते थे कि बड़े से बड़ा निशानेबाज भी कभी कभार चूक जाता है। अच्छा, हमें निशाना चूकने का नहीं बल्कि दुख इस बात का है कि आज शक्ति सिंह के कारण पहली बार जिंदगी में हमने मात खाई है। भूल भी जाइए इस बात को, लड़ाई में हार जीत तो होती ही है। आज शक्ति सिंह की जीत हुई है तो कल आपकी जीत होगी। नाय रक्षा नाय, अब पासा पलट चुका है। ज्योति ही एक ऐसा मोहरा था जिसकी मदद से हम ये बाजी जीत सकते थे। बाजी तो अब भी आप ही जीतेंगे ठाकुर। आइए माँ जी। ठाकुर, ये विजय सिंह की माँ है। विजय सिंह की माँ? आइए आइए माँ जी आइए। ये हमारी बड़ी किस्मत है कि आप हमारे घर आए, मुझे भी अपना ही बेटा समझे। जीते रहो बेटा, लेकिन मेरे विजय और ज्योति कहाँ हैं? मैं बड़ी परेशान हूँ बेटा। परेशान तो हम थे माँ जी, लेकिन आपके आने से सारी परेशानियां दूर हो गई। आइए रक्षा, माँ जी को ऊपर ले जाओ और इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आइए माँ जी। ज्वाला, आज तुमने वो शानदार काम कर दिखाया है जिसके लिए हम तुम्हें सलाम करते हैं। तुम्हारी वजह से आज हम हारी हुई बाजी जीत गए। ये आपकी मेहरबानी और बड़ापन है ठाकुर। आपका तो नाम ही अजय है, आपको कौन जीत सकता है? वैसे तो काम बहुत छोटा सा था, वरना वक्त पड़ने पर ज्वाला आपके लिए अपनी जान भी दे सकती है। हमें तुम पर नाज है ज्वाला, अब हम शक्ति सिंह और विजय सिंह को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आ, 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 आ,
जय सिंह, तुम्हारी मां हमारे कब्जे में है। अगर तुम्हें उनकी जान प्यारी है तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। रामगढ़ के किले की दाहिनी ओर से नीचे उतरोगे तो तुम्हें हमारे आदमी मिलेंगे। अगर तुमने किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें तुम्हारी मां की लाश मिलेगी। तुम्हारा अजय सिंह। उतर जा। पिस्तौल फेंक दो। दस कदम आगे बढ़ो। जरा सी भी गैरत है तो ये बंदूकें फेंक कर चूड़ियां पहनो। अब तुम लोग इस काबिल नहीं रहे कि मेरे साथी कहलाए जा सको। मगर ठाकुर, खामोश, दबा हो जाओ यहां से, जाओ। बड़े शर्म की बात है कि तुम जैसे बहादुर को भी मेरे नाने के गम में शराब का सहारा लेना पड़ा। तुम्हें गलत फहमी हुई है विजय सिंह, हम तुम्हारे ना आने के गम में नहीं, तुम्हारे आने की खुशी में पी रहे हैं। मुझे तो आना ही था अजय सिंह, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं अपनी मर्जी से आना चाहता था। बोलो कहां है मेरी मां? मां और बेटे में ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन यह फासला तय करने के लिए तुम्हें जान से खेलना होगा। जान पर खेलना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है अजय सिंह।
और दुश्मन की जान लेना मेरे लिए नई बात नहीं। नहत्ते पे वार करना कोई बहादुरी नहीं है। दुश्मन पर काबू पाने के लिए कभी कभी चालाकी से भी काम लेना पड़ता है। उस दिली को चालाकी का नाम देकर अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश मत करो। बकमास, आज मुझे भी देखना है कि बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे की मौत का तमाशा किस तरह देखती है। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो अपना अरमान भी पूरा कर सकते हो। अजय सिंह, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक गोली रह गई है, जरा संभाल के चलाना। अगर ये भी चूक गई तो तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। विजय सिंह, मां तक पहुंचने के लिए तुम्हें इसी रास्ते से गुजरना होगा। जिंदगी चाहता है तो बता, बता मेरी मां कहां है। वो जहां भी है सही सलामत है, और इस वक्त तुम्हारी जिंदगी और मेरी मौत की दुआएं मांग रही होगी। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। किसकी मौत किसके हाथों लिखी है ये मैं नहीं जानता अजय सिंह, पर इतना जानता हूं कि इस वक्त तलवार मेरे हाथ में है। तो फिर ये भी सुन लो बरखुरदार, अगर मेरे जिस्म पर एक भी निशान बनेगा तो तुम्हारे मां के जिस्म पर हजारों निशान बनेंगे गोलियों के। बेटा, मां, अब बोल कहां कहां बनाओ निशान तेरे जिस्म पर, और कहां कहां से निकालूं वो गंदा खून जो तेरे पापी रगों में बह रहा है। बोल। विजय सिंह, अगर इन बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो तलवार फेंक दो। अंकल, जल्दी करो वरना भून के रख दूंगी इनको। अंकल, मैंने कहा था ना तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। मेरे खून से तो शायद तेरी धरती माँ की प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन तेरा खून तो पवित्र है। बता कहां से निकालो। यहां से, यहां से। माँ जी, अजय सिंह तुम तो बहादुरों की कदर करते हो, अब करो इस बहादुर से मुकाबला। है
रोशनी, यही कुत्ता तेरे बाप का कातिल है। नहीं रोशनी, नहीं नहीं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। ये कुत्ता तो आईजी साहब की अमानत है। चल, शाबाश मेरे, शाबाश। वापस आके देख लूंगा विजय सिंह। इंस्पेक्टर, टेक हिम। मेरी चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। विजय, दो लाख के हकदार तो तुम हो ही, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा इनाम देने वाला हूं जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। Best of luck. Hey,